हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ प्रमुख कौन कौन सी हैं और इनकी लंबाइयाँ क्या क्या होती हैं। चलते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में बहने वाली नदियाँ निम्न हैं। नंबर वन, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। गंगा के मैदानी भागों से मुख्य रूप से गोमती, पांडो, वसना तथा किरसन नदियाँ निकलती हैं। नंबर दो, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ। दक्षिण के पठार से चंबल, बेताब, रिहंद, सोन, केन तथा कन्हार नदियाँ निकलती हैं। थ्री, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय की बड़ी पहाड़ियों से शारदा, गंगा, काली तथा छोटी पहाड़ियों से रामगंगा तथा तृप्ति नदियाँ निकलती हैं। आइए हम लोग देखेंगे राज्य की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और लंबाई जानने की कोशिश करेंगे। गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल है गोमुख, इसकी लंबाई है 2555। तृप्ति नदी, इसका उद्गम स्थल है शकुमकोट और 640 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यमुना है उद्गम स्थल यमुनोत्री, लंबाई 1385। सोन, उद्गम स्थल अमरकोट, 780 किलोमीटर। सोन अमरकोट 780, सिंध टोक 416, फेज के मून की पहाड़ी 308, चंबल माऊ 965 इसकी लंबाई है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।